तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अद्भुत के बारे में। ये एक मूवी जिसमें जिसके चंदा चौधरी आई है, जिसमें आपको थ्रिलर और ड्रामा बेस्ड मूवी है। ये जो मूवी है लगभग जो है 1 घंटे 51 मिनट के आसपास है। इसमें की स्टोरी लाइन के बारे में अगर बात करें तो शुरुआत में दिखाते हैं इसके अंदर जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसके बारे में हमें दिखाते हैं कि उसे जो है एक अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है कि उसने जो मस्ती से मस्ती केस को सॉल्व किया। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये जो बंदा होता है ये डिटेक्टिव होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इस एक इसको सम्मानित करने के बाद जो है रिपोर्टर जैसे एक सवाल पूछता है कि तुमने कभी ऐसा केस सॉल्व किया जो कि सौ समस्या बाहर हो, मतलब कि उसके पीछे कोई लॉजिक ना हो। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे एक लाइट दी जाए चमकती हुई दिखती है। उसके बाद जब वो जो है सोच में पड़ जाता है, उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अब जो कहानी है वो जो है पास में चल रही है। शायद अब जो मैं दिखा दें कि एक लड़का एक लड़की जो है नए शहर में नए घर में रहने के लिए आते हैं। उसके बाद जो हमें दिखाते हैं कि जो लड़का होता है वो शायद डॉक्टर होता है। उसके बाद जो लड़की होती है वो उसके जो है कुछ इंजेक्शन लगाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लड़की जो होती है वो जूस बना रही होती है, कुछ पीस रही होती है। उसके बाद जो हमें दिखाते हैं वो कुछ कबर्ड खोल दिया कुछ काम करने के लिए इधर से उधर चले जाती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये जो लड़की होती है जूसर जो है वो चालू होता है। उसके बाद ये सारे के पर्दे खुले होते हैं कि बहुत जैसा कुछ सीन दिखाते हैं। अब जो ये लड़की होती है जो मिक्सर का जूसर का जो तार वार होता है वो सब कुछ निकाल देती है। जो जूसर होता है वो जो है चलता रहता है, मतलब जो मिक्सी जो होती है वो चलती रहती है। उसके बाद जो है मिक्सी जो दीवार से टकराते उसके बाद जो वहाँ पर जो है क्रॉस का निशान बन जाता है। उसके बाद जो है ये जो लड़की होगी ये जो है हस्बैंड को फोन लगाता है, हस्बैंड जो हमारे मेन कैरेक्टर को फोन लगाता है जो कि डिटेक्टिव होता है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर है बोलता है कि तुम्हें इन चीज़ों के लिए पुलिस को बुलाना चाहिए। मुझे क्यों बुलाया, आप जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है वो बताती है कि ऐसा जो है 2 बार उसके साथ हो चुका है। एक बार के ऊपर जो है झूमर गिर गया था, उसके बाद जो है वहाँ पर क्रॉस का निशान बन गया था। उसके बाद हम जो दिखाते हैं कि हमारा जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इस केस को ले लेता है। उसके बाद इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्टार्ट कर लेता है। उसके बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो सब कुछ पता लगाने लग जाता है। उसके बाद जो है अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसका दिमाग जो है शेरलॉक है, उसके जैसे मतलब कि उससे थोड़ा कम है। शेरलॉक का जो मतलब कुछ ज़्यादा ही तेज था। तुम्हारा जो मेन कैरेक्टर है इसका दिमाग भी तेज होता है, इसका जो असिस्टेंट होता है ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके उसके बारे में भी सब कुछ हमें बताया था। हमारे जो मेन कैरेक्टर है उन दोनों से पूछता है कि अब कुछ आगे कुछ बड़ा होने वाला है उन दोनों के साथ। जो है वो दोनों जो है बताते हैं कि हमारे एक हॉस्पिटल की जो है उनके साथ जो एक मीटिंग होने वाली होती है जहाँ पर उसे जो है कुछ बोलना होता है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इसी वहीं पर ही आ जाता है कुछ होने से, मतलब कि उसे शक होता है कि वहाँ पर कुछ होगा। तभी जो है वो जो बंदा होता है उसका फंक्शन आया था और बंदा जो होता है वो बोलने के लिए खड़ा होता है। उसके बाद हमें ये कहते हैं कि वहीं पर कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उसके बाद जो एक पंखा जो है सीधा आता है, सीधा उस लड़के को मारने वाला होता है, पर जो लड़का जो होता है वो बच जाता है। उसके बाद जो पंखे से ही क्रॉस का निशान बन जाता है। अब यहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे लड़की दिखाई देती है, वो जो है उस लड़की का पीछा पीछा करता है, उसके बारे में सब कुछ पता लगा। उसके बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर लड़की के बारे में सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो जो लड़की होती है वो एक संस्था से जुड़ी होती है। बात इसके पहले का उसके बाद में कुछ भी पता नहीं होता। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इसी लड़की को जो सस्पेक्ट मान लेता है। उसका हमारा मेन कैरेक्टर है वो इसी लड़की के जो है पीछे जो है लग जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है और ये सच ढूंढ पाएगा या नहीं ये सारी बातें जानने के लिए तो इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो वह जो तो इस मूवी को देख लेते हो कि तुम्हारी मर्जी है, देखना है देखो नहीं देखना मत देखो। तो आज वीडियो में इतना ही बुरे अच्छे लगे तो चैनल करना सब्सक्राइब।